अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार सामा, सेल मैनेजर अबूजा स्टेट, डीएचए कराची। काफी मेरे क्लाइंट्स जिनको मैंने एमडीएस की उम्र में प्लॉट दिए हुए थे और डीएचए सिटी कराची में लिए हुए, तो मैं जब किसी एक प्रोजेक्ट के हवाले से वीडियो बनाता हूँ तो दूसरे वालों का की रिक्वेस्ट आती है हमारे लिए भी अपडेट करें क्या नई चीज है एमडीएस की उम्र में। तो ये वीडियो एमडीएस की वन के लिए है। नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन करके क्लिक करें ताकि मजीद आप तक नई वीडियो पहुंचती रहे। एमडीएस की वन जो मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं और भी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे इसके हवाले से, इस प्रोडक्ट की इसलिए ज्यादा बात करता हूं। ये वीडियो डीएचए सिटी में भी जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो लोग भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट होगा। बेसिकली एमडीएस स्कीम वन जो है सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और तकरीबन 1998 में ही आया था प्रोजेक्ट, मगर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल सका जैसा सिंध गवर्नमेंट बाकी काम कर रही है कराची में, वैसे ही इस प्रोजेक्ट को ढूंढने रखा। पर पिछले 3 सालों में जब से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया यहाँ डिफेंस में बैठ के, तो माशाल्लाह एमडीएस स्कीम वन में काम स्टार्ट हुआ, सेल परचेज हुई। 3 साल पहले तक वहाँ किसी घर की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर एमडीएस स्कीम वन में जाते हैं तो उसके स्टार्टिंग सेक्टर्स जो हैं जहाँ पोजीशन है 2, 3, 5, 7, 9, 11 और बिलखसूस 2, 9 और 11, इनमें आपको कहीं ना कहीं जगह जगह आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। इसमें 100 यार्ड की भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 200 यार्ड की भी और 400 यार्ड की भी, और यही कटिंग है यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटों की। इसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इस वक्त भी बहुत ज्यादा अंडर रेट प्रोजेक्ट है। जब हमने 3 साल पहले काम स्टार्ट किया था जिन लोगों को प्लॉट सेल आउट किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं इस वक्त। और आज जो बंदा प्लॉट लेता है वो भी अगले 2-3 साल तक होल्ड करता है तो मजीद अच्छा उनको बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और बिलखसूस कराची जैसे बड़े इलाके में जहां इस वक्त हाउसिंग की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप मामला देख रहे हैं लीगल इलीगल के मामले इतने होते जा रहे हैं हाई रेस्ट प्रोजेक्ट में कि हर बंदा चाह रहा है कि प्रोजेक्ट से निकल के वो अपनी जमीन पे अपना घर बनाए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और शहर से बाहर भी नहीं है, शहर के अंदर है। यहाँ 100, 200, 400 गज के प्लॉट बहुत ही मुनासिब रेटों पे, यानी शुरू के सेक्टरों में समझे 10-10.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 20-22 लाख रुपए तक 100 गज का रेट है। इसी तरह शुरू के सेक्टर्स में 200 गज का प्लॉट 18-18.5 लाख से स्टार्ट होता है और तकरीबन 30 लाख के करीब रेट है। और 400 गज के प्लॉट की बात करें तो तकरीबन वो 30-32 लाख से स्टार्ट होता है और 60-65 लाख रुपए तक रेट है। इसकी सराउंडिंग में जो अच्छी जगह है वो उनमें गुलशन हदीद है जो इसके बिल्कुल सराउंडिंग में है, और अगर बैक साइड पे बात करें तो डीएचए सिटी कराची आता है बैक साइड पे तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे। तो अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, मलीर एक्सप्रेस वे बेसिकली जब कंप्लीट होगा तो इसके साथ जो मेन रोड है जो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को आपस में कनेक्ट करती है, इस रोड पे आके मलीर एक्सप्रेस वे उतरेगा और देन यहाँ से डाइवर्ट करेंगे डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 4 तक। तो इस वजह से हम सिर्फ, मेरी आपने ब्लॉग्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, सिर्फ और सिर्फ डीएचए या डीएचए सिटी या फिर एमडीएस स्कीम वन के लिए बात करता हूँ। अभी मेरे बहुत भी लोग कह रहे हैं बीएसएफ सिटी की भी बात करें क्योंकि एएसएफ भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में इंशाल्लाह एएसएफ के लिए भी मैं बात करूंगा, उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी बताने का मकसद ये था कि इस वक्त भी एमडीएस स्कीम वन जो है बहुत ही समझे मिडिल क्लास बंदे के लिए उसकी रेंज में है। 10-12 लाख रुपए का प्लॉट लें आप, साल 1.5 साल बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करें और अपनी जमीन पे कंस्ट्रक्शन करके रहें। किसी भी प्राइवेट बिल्डर के झांसे में ना आए, जिस तरह के आप मामला देख रहे हैं, लोग प्लॉट 500 गज का होता है उस पर हाई रेस 20-25 मंजिला कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो फिर बाद में एंड यूजर को देखना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा हाल ही में असला टावर का वाकया हुआ, दीगर वाकये हुए काफी इस तरह के हाई रेस प्रोजेक्टों में। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी जमीन लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करें और उसमें ये भी बेनिफिट होता है कि फर्ज करें आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया है और वक्त के साथ जब और पैसे आपने आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं वो बनाते हैं, उसको आप रेंट आउट कर देते हैं, रेंटल इनकम भी अच्छी स्टार्ट हो जाती है। तो इस हवाले से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सेफ एंड सिक्योर जगह है, 200% डॉक्यूमेंट इसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, सिंह लीज डॉक्यूमेंट है सबसे बड़ी बात, इस पर आप लोन लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 10 तरह के मौके हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आप कराची से जा रहे हो इस वक्त एयरपोर्ट क्रॉस करें तो ये शारे फैसल कहलाती है, इसी रोड पर आपने रहना है, इसी रोड को आपने नहीं छोड़ना। मैं पहले भी ब्लॉग बना चुका हूँ उसकी लोकेशन के हवाले से, वो भी आप मेरे चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगी
तो इसी रोड पे जब आप गुलशन हदीद स्टील टाउन गुलशन हदीद क्रॉस करेंगे, देन लिंक रोड जो आ रही है उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो लोकेशन स्टार्ट होगी एमडीएस स्कीम वन की लोकेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद इसका गेट है प्रॉपर सेक्टर टू का गेट है, सेक्टर फाइव का गेट है जो कि 579 के लिए यूज होता है, सेक्टर 11 का गेट है, प्रॉपरली जो है यहाँ सीवरेज का रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सब कंप्लीट है। कमी है तो आप लोगों की कमी है, आप लोग प्लॉट परचेज करें, वहाँ कंस्ट्रक्शन करें और जहाज ये रिहाइश हासिल करें, और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये जो जगह है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट पूरा बन रहा है लिंक रोड के ऊपर। आज की मशहूर मालूम जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ वो वहाँ आ रही है, तो फ्यूचर में यहाँ बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। मजीद वीडियोज अपडेट करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।